नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये प्लाट GS 2034 सोयाबीन का प्लाट है और ये सोयाबीन भी आज 95 दिन की हो गई है। 95 दिन की स्थिति में इस प्लाट की स्थिति देखिए, GS 2034 के जो मैच्योरिटी समय होता है वो 85 से 90 दिन होता है और ये सोयाबीन आज 95 दिन की हो गई है। कुल मिला के ये कि मैच्योरिटी समय से भी इसने 5 दिन ऊपर निकाल दिया और उसके बाद भी देख लीजिए आप स्थिति इसकी, अभी तक भी इसमें जो पत्ते हैं वो हरे हैं। मैच्योरिटी समय से भी 5 दिन ऊपर 95 दिन, ये 100 दिन निकालेगी पूरे, अभी 5 दिन तक तो और अभी कोई आसार नहीं है इस सोयाबीन की। अब इसकी ये जो फलियाँ हैं, इन फलियों में देख लीजिए आप, ये जो जिनके गिर गए हैं, और दाना देखिए आप इसका, ये देखिए अब ये है 2034, कुल मिला के ये है कि मालवा क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा संघर्ष किया वो है GS 2034 सोयाबीन ने। 95-60 सोयाबीन मालवा क्षेत्र में गड़बड़ हो गई, उसके अलावा KDS 726 सोयाबीन मालवा क्षेत्र में गड़बड़ हो गई है, RVS की जो वेराइटियाँ थी वो भी मालवा क्षेत्र में गड़बड़ हो गई है, और GS की 2172 उसमें भी रोग है। कुल मिला के यह है कि मालवा क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जिस सोयाबीन ने संघर्ष किया वो है 2034। 2034 ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है और इसका जो उत्पादन है वो बहुत तगड़ा निकलेगा। ये इन प्लाटों में फलियाँ ही फलियाँ हैं और स्थिति यह है कि एक नीचे तक की जो फलियाँ हैं उनका बीज भी अच्छा कंप्लीट है, फिर ऊपर से नीचे तक जो सारी फलियां हैं देख लीजिए, देख लीजिए पूरी फलियां पकी है और पूरी फलियों में अच्छा मजबूत और बड़ा दाना है। हाइट इसकी कम है लेकिन फलियाँ अच्छी है और इसका उत्पादन, इस सोयाबीन का उत्पादन इस खेत को देखकर लग रहा है कि ये सोयाबीन 4 से 5 बोरी, मतलब 4 से 5 कुंटल बीघा का निकलेगी, आराम से निकलेगी 4 कुंटल बीघा की आराम से ये सोयाबीन निकलेगी। बड़ी शानदार अवस्था में ये GS 2034 देख लीजिए आप। नमस्कार सर।